हम में से ज्यादातर लोगों को नॉनवेज फूड बहुत पसंद है और इंडिया में कहीं भी बड़ी आसानी से नॉनवेज फूड मिल जाता है। यूं तो हम चारों तरफ से एनिमल प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं और फिर भी आप एनिमल इंडस्ट्रीज की असली हकीकत नहीं जानते। एनिमल इंडस्ट्रीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अकेले एनिमल इंडस्ट्री की वजह से हर साल 18% ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन हमारे पर्यावरण हमारे प्रकृति में घुलते चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है, हमारे पानी और हमारे सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है और इन्हीं सारी वजहों की वजह से क्लाइमेट में भारी बदलाव आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हर दिन लाखों और करोड़ों की तादाद में जानवरों को हर दिन तड़पाया जा रहा है और मारा जा रहा है बस इंसानों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। हर दिन समंदर से मछलियां कम होती नजर आ रही है और ऐसे कई सारे मसले हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? और यहां पर आते हैं वीगन्स। हम सभी जानते हैं कि वीगन्स क्या होते हैं, लेकिन क्या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज ना करने से या फिर नॉनवेज ना खाने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है? अगर वीगन होना इतना ही आसान है तो पूरी दुनिया वीगन क्यों नहीं हो जाती है? और इन्हीं सारे सवालों के साथ चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Enough of treating nature like a toilet. Our rivers are running dry. This is the challenge of our collective lifetimes. And people are dying. Nature cannot pay that price anymore. If we fail, they will not forgive us. We're running out of time. इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो जानी जाती है अपनी डाइवर्स कल्चर और फूड के लिए। किसी भी देश के मुकाबले इंडिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं। 135 करोड़ की आबादी में तकरीबन 27 से 30 करोड़ लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन वो वीगन नहीं है। वेजिटेरियन एक जेनेरिक शब्द है जिसका मतलब है ऐसे लोग जो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, जो मांस मछली नॉनवेज नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते। और इंडिया में रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ की वजह से प्याज लहसुन और मशरूम को भी कई जगहों पे नॉनवेज कंसीडर किया जाता है। लेकिन इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है डेयरी प्रोडक्ट्स का। इंडिया में हर त्यौहार और ओकेशन में भारी तादाद में दूध और डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को वेज कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो प्योर वीगन्स होते हैं वो पूरी तरीके से एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो लेदर हो। बेसिकली वीगन्स वेजिटेरियन से अलग होते हैं और वीगनिज्म एक एक्टिविज्म है जो वेस्ट से आया हुआ एक कल्चर है। 1944 में पहली बार द वीगन सोसाइटी की स्थापना यूनाइटेड किंगडम में की गई थी और वीगन्स ये मानते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट से हमारे कुदरत और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है। साथ ही साथ वीगन्स एनिमल राइट का भी समर्थन करते हैं और वो मानते हैं कि हर जानवर को जीने का हक है। और इन्हीं सारी वजहों की वजह से वीगन्स हर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट के बदले प्लांट बेस्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। यूं तो अगर आप इंडियन हैं और वेजिटेरियन हैं, तो आपके पास वेज फूड में कई वैरायटीज और कई ऑप्शंस हैं। इडली डोसा चटनी सांबार पूरी मसाला चपाती कुरमा पोहा उपमा पोंगल खिचड़ी उत्तपम इडियापम लेमन राइस टोमेटो राइस कोकोनट राइस कोरियन राइस पुदीना राइस टैमरिंड राइस वेज बिरयानी वेज फ्राइड राइस वेज पुलाव शेजवान नूडल्स गोभी मंचूरियन मशरूम मंचूरियन भेल पूरी पानी पूरी वड़ा पाव समोसा। लेकिन वीगन अक्सर सिर्फ वेज फूड में फोकस नहीं करते, उनकी कोशिश रहती है ऐसी बैलेंस डाइट में जहां पर उनके शरीर के हिसाब से उनके बॉडी के हिसाब से उन्हें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स और एक बैलेंस डाइट मिल सके। लेकिन वीगन्स के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज जैसे प्रोटीन विटामिन कैल्शियम आयरन जिंक अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। और यहीं पर असली पंगा शुरू होता है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एनिमल फूड में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड सब्स्टिट्यूट या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में मिलना थोड़ा मुश्किल और कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। यूं तो मानव इतिहास से ही हम जानवरों का इस्तेमाल सवारी और खेती के लिए करते आए हैं। एनिमल फूड मीट जैसी चीजों के वजह से हम इस धरती पे हजारों सालों से सर्वाइव करते आए हैं। वो मीट ही था जिसने हमें कई हालातों में जिंदा रखा है। और जब एनिमल फूड हमारे लिए इतना जरूरी है, तो आखिर वीगन्स को एनिमल फूड या एनिमल इंडस्ट्री से इतना ज्यादा दिक्कत क्यों है? और यहीं पर शुरू होता है हमारा दूसरा पॉइंट, एनिमल इंडस्ट्री की मोनोपोली। एनिमल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है कुदरत में। हर साल तकरीबन 27 से 30 करोड़ गायों का इस्तेमाल दूध के प्रोडक्शन में किया जाता है। हर साल तकरीबन 300 से 400 करोड़ जानवर जिसमें शामिल है गाय भैंस बकरिया भेड़ और सुअर जिन्हें मीट प्रोडक्शन के लिए मारा जाता है। 800 करोड़ से भी ज्यादा चिकन हर साल इस दुनिया में पैदा किए जाते हैं और उन्हें खाया जाता है। और जब इतने बड़े तादाद में जानवरों को रखा जाता है पाला जाता है,
तो बहुत बड़ी तादाद में रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं वजहों से जंगलों को काटा जा रहा है ताकि इन जानवरों को चरने के लिए जगह मिल सके या फिर इन जानवरों को खिलाने के लिए खेती हो सके। और यकीन मानिए, इन जानवरों को खिलाने के लिए जितनी बड़ी खेती होती है ना, अगर उस खेती को इंसानों को खिलाया जाए तो हर साल 350 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। इन जानवरों के पालन पोषण के लिए हर साल तकरीबन 25% पीने लायक पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में पीने लायक पानी की स्थिति क्या है? इस दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। करोड़ों लोग गंदा पानी पीने की वजह से मर रहे हैं और मर चुके हैं। पेड़ और जंगलों के कटने की वजह से बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है, सॉइल इरोजन होता है और उन जमीन में हद से ज्यादा खेती और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से उस जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। और जब भी जंगल कटते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है। पहले से उस जंगल में रह रहे जीव जंतु मरने लगते हैं और उनकी आबादी तेजी से घटने लगती है। एनिमल इंडस्ट्री अकेला ही पूरी दुनिया में हर साल 18% ग्रीन हाउस गैस की इमिशन करता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और जब इतने भारी तादाद में जानवर होते हैं तो गंदगी भी बहुत भारी तादाद में होती है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के फेलियर के वजह से उन जानवरों की गंदगी को नियर बाई नदी, तालाब या कोई भी वाटर रिसोर्सेस में यूं ही बहा दिया जाता है, जो कि हमारे पानी और मिट्टी दोनों की क्वालिटी को खराब करता है। साथ ही साथ उस जल स्रोत में रह रहे पहले से जीव जंतुओं के जान पे बनाती है और वो भी मरने लगते हैं। मीट इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन जानवरों को बीमारी से बचाया जाता है। ऐसे इंजेक्शंस, ऐसे दवाइयां इन्हें खिलाई जाती हैं, जिनके वजह से इनके शरीर का साइज बहुत बड़ा होने लगता है और इसके लिए भारी तादाद में ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स की वजह से ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं जिनके ऊपर अब दवाइयों का असर नहीं होता और ऐसे बीमारियां पैदा हो रही है जो इंसान और जानवर दोनों के लिए घातक और खतरनाक है। और उन बीमारियों के ऊपर किसी भी तरह के दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। इन सभी बातों के ऊपर जानवरों को एनिमल फार्म्स में ठूस ठूस कर रखा जाता है, जहां पर उनका जन्म दर्दनाक होता है। वो एक ही पिंजरे में अपनी पूरी जिंदगी काटते हैं, दर्द में रहते हैं और दर्द में ही वो मर जाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ एक और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एडल्ट्रेशन, और ये सबसे ज्यादा देखा जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। हमारे देश भारत में दूध की खपत बहुत ज्यादा है और कई बार फेस्टिवल और ओकेजंस में डिमांड जितना ज्यादा आता है उसके मुताबिक प्रोडक्शन या सप्लाई ना होने के कारण लोग आर्टिफिशियल मिल्क मार्केट में लेकर के आते हैं। पहले तो दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है चीनी, फैट की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है यूरिया, जो कि एक खतरनाक फर्टिलाइजर है। लैक्टोज की मात्रा को बैलेंस करने के लिए दूध में मिलाया जाता है अमोनियम सल्फेट। दूध की सरफेस टेंशन को घटाने के लिए और उसे और चिकना बनाने के लिए दूध में मिलाया जाता है डिटर्जेंट। दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है बेंजोइक और सैलिसाइलिक एसिड। और आखिर में दूध को खराब होने से बचाने के लिए मिलाया जाता है फॉर्मलिन। जब हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों में लाशों को रखा जाता है ना, तो उसे गलने सड़ने से बचाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन इंसानों के लिए और किसी भी जिंदा जीव के लिए एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक है। खैर, इन सारी बातों को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि एनिमल इंडस्ट्री कितनी बुरी है। एनिमल इंडस्ट्री जानवरों को भी तकलीफ दे रही है, इससे इंसानों को भी खतरा है और ये बुरी तरीके से हमारे कुदरत और पर्यावरण को भी तबाह कर रही है। तो सवाल तो ये है कि आखिर वीगन प्रोडक्ट या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट क्या किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते? क्या उसका कुदरत पे कोई असर नहीं होता? क्या वो इंसानों के लिए बुरा नहीं है? और यही पर हमारा तीसरा पॉइंट शुरू होता है कि आखिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में दिक्कत क्या है। पहली बात तो ये कि वीगन प्रोडक्ट को भी उगाने के लिए, वीगन फूड को भी उगाने के लिए खेती होती है और डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए जंगलों को काटा जाता है और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का भारी नुकसान होता है। वीगन फूड को उगाने के लिए भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जीव जंतु भी मरते हैं और मिट्टी की क्वालिटी भी खराब होती है। एवोकाडो और शहद जैसी चीजों को बनाने के लिए हजारों लाखों तादाद में मक्खियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इन फूड्स को पैदा करने के लिए हजारों की तादाद में मक्खियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पाम ऑयल, जो कि वीगन प्रोडक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसकी खेती के लिए लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, जिसका नतीजा कि जंगली हाथी, शेर और ओरंगोटैन जैसे जीव लगातार हर दिन मर रहे हैं। सोय या फिर सोयाबीन्स, एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसके बिना हर वीगन प्रोडक्ट अधूरा है, क्योंकि सोय से बनता है सोया मिल्क और वीगन मीट। लेकिन सोय की खेती के लिए बड़ी तेजी से अमेज़न ग्रीन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिसका नतीजा कि जाइंट ऑटर्स और जैगुआर जैसे जीव बड़ी तेजी से विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। और ऐसा ही कुछ हाल आलमंड्स के साथ है। आलमंड्स वीगन प्रोडक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिससे बनते हैं आलमंड मिल्क्स, चीज और डेजर्ट्स जैसे कि आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और मिठाइयाँ।
आलमंड्स की खेती के लिए बड़ी भारी तादाद में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डायरेक्टली मरीन लाइफ को इम्पैक्ट करता है और मरीन जानवरों को मार रहा है। और न जाने ऐसे कई सारे वीगन प्रोडक्ट है जो कहीं न कहीं इस दुनिया में जानवरों को मार रहे हैं। लेकिन इन चीजों के अलावा भी वीगन प्रोडक्ट में कई सारे पंगे हैं। पहला है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। ज्यादातर वीगन प्रोडक्ट में विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसी चीजें नहीं होती जो कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। दूसरा है प्रोसेसिंग और एडिटिव्स। कुछ वीगन प्रोडक्ट्स जैसे कि वीगन मीट, चीज, टोफू, इन चीजों को बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है और इन्हें खराब होने से बचाने के लिए या फिर इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कई सारे एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें मिलाए जाते हैं जो कि कहीं से भी हेल्दी नहीं है। तीसरा, टेस्ट एंड टेक्सचर। अब जाहिर है कि हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं और ओरिजिनल को रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे में कई बार एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का जो टेस्ट होता है, जो टेक्सचर होता है, जो फील होता है, वो प्लांट बेस्ड सब्स्टिट्यूट से नहीं आ पाता। और चौथा है प्राइसिंग। वीगन प्रोडक्ट्स के साथ सबसे बड़ा पंगा यही है कि वीगन प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे पूरी दुनिया में 1 लीटर दूध की कीमत एवरेज 60 से 70 रुपए है, लेकिन अगर आप वीगन दूध यानी कि सोय मिल्क अगर आप लेने जाते हैं तो उसकी कीमत 150 से 200 रुपए के आसपास आती है। वहीं पर ऑर्गेनिक सोय मिल्क तकरीबन 400 से 600 रुपए पर लीटर बिक्री होता है। दूसरी तरफ 1 लीटर आलमंड मिल्क 300 रुपए का मिलता है, जो कि आम दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा महंगा है। कई बार वीगन प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है कि सभी लोगों के लिए इसे खरीद पाना काफी मुश्किल होता है। और पूरी दुनिया में मात्र 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि प्रॉपर वीगन डाइट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक पॉइंट में आकर के हम ये बात मान भी लेते हैं कि हमारी दुनिया बड़ी तेजी से वीगन प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने लगेगी और पूरी दुनिया वीगनिज्म की तरफ बढ़ रही है, तब भी इसका असर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पड़ेगा। एनिमल इंडस्ट्री कई सारे लोगों के रोजगार का जरिया है। अगर एनिमल इंडस्ट्री बंद होती है तो एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, फैशन, सुपरमार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक बिजनेस में इसका असर देखने को मिलेगा और भारी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बावजूद जानवरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी और उनकी आबादी को नियंत्रण करने के लिए या तो नसबंदी या फिर उन जानवरों को मारा भी जाएगा। अच्छी बात यह होगी कि वीगन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसमें नए रोजगार आएंगे। डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटना कम होगा क्योंकि एनिमल इंडस्ट्रीज वाले जमीनों को प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर साल पॉल्यूशन से लाखों लोग मर जाते हैं और जानवर भी, तो पॉल्यूशन कम होगा, बायोडायवर्सिटी बचेगी, इंसान और जानवर दोनों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। ओवरऑल लोगों की सेहत में काफी सुधार आएगा क्योंकि मीट कंजम्पशन से कई सारी बीमारियां होती हैं और जब लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो उनकी डाइट सुधरेगी और उनका सेहत भी काफी सुधरेगा। दोस्तों, यूं तो वीगन रहना है आपको या फिर नॉन वेजिटेरियन बने रहना है, ये आपका एक निजी फैसला है, ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। लेकिन जब भी आप अपना फैसला बनाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें जो बातें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। और दोस्तों, इस तरह के वीडियोस को बनाने में काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी वक्त देना पड़ता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।